ये है 36 स्लॉट टेक्समो मोटर का पार्ट 6, जिसके अंदर हम लास्ट ग्रुप 6 नंबर वाला ग्रुप यानी कि 6वां ग्रुप आपको इंस्टॉल करके दिखाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, पहले वो देखिए बाद में इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। इस वीडियो में आपको लास्ट में थोड़ा सा हम कनेक्शन बताएंगे और इसका टोटल लाइव कनेक्शन आपको इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपको इस वीडियो का कनेक्शन भी मिल जाए और टोटल यहाँ पर हमारी वायरिंग इस मोटर की कम्प्लीट हो जाती है। इस मोटर के टर्न है 22, गेज है 14, पिच है 14, 16, 18, स्लॉट हैं 36। आपने पार्ट 5 में देखा था कि हमने इन तीनों कॉइलों का नीचे का जो ग्रुप है वो हमने इंस्टॉल कर दिया था। अभी ऊपर बचे हैं 3 स्लॉट, इधर 3 और उधर 3 स्लॉट बचे हैं, तो हमें क्या करना होगा, इस मोटर को घुमाना होगा और बचे हुए जो हमारे 6 स्लॉट हैं वो एक ग्रुप से पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि इसके अंदर 6 ग्रुप हैं तो 6 टोटल ग्रुप कंप्लीट हो जाए और हमारी ये मोटर टोटल कंप्लीट रिवाइंड हो जाएंगी। अभी चलिए फटाफट से 3 कॉइल बना लेते हैं। तो हमने इस बार तीनों ग्रुप स्किप कर दिए क्योंकि सेम प्रोसेस है जो हमने 1 से लेके पार्ट में किया था। सेम 3 कॉइल का एक ग्रुप बनाना है जो कि हम आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 स्लॉट बचे हैं। अब इसमें हमारा ये लास्ट ग्रुप जो है 6 नंबर का ग्रुप 3 कॉइलों का, अब इसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे कनेक्शन सेट है, हम पीछे से पेपर डालेंगे। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा सबसे ये छोटा वाला पीछे जो कि 14 का है, तो आप काउंट करके देखोगे तो आपको 14 का मिलेगा। हम आगे से काउंट करके देखेंगे। बीच में हमने 2 स्लॉट एम्प्टी छोड़ दिए क्योंकि उसमें हमें अगले पिच की कॉइल डालनी है। तो देखिए दोस्तों हमें सबसे छोटी कॉइल अभी इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों मैं छोटा कर दूंगा इसको आपको कॉइल की सेटिंग समझने के लिए। अब दोस्तों ये जो हमारा है स्टार्ट पॉइंट या स्टार्ट वायर, या तो आप स्टार्ट तार बोल सकते हैं, या तो पहला वाला बोल सकते हैं, या तो शुरुआत बोल सकते हैं। ये जो हमारे एज कट तक के राइट हैंड तरफ रखना है और ऐसे डाल देना है। अभी दोस्तों ए ग्रुप इंस्टॉल करते वक्त सेम वही प्रोसेस है जो आपको ऊपर का 5 नंबर का ग्रुप दिखा रहा है, सेम उसी के सामने हम 6वां ग्रुप इंस्टॉल करने वाले हैं। सेम वही 3 आमने सामने 3-3 कॉइल आ जाएंगी। ओके, फिर से एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ये जो स्टार्ट तार है वो हमारे राइट हैंड तरफ है या नहीं। इसके पूरे तार जा चुके हैं तो मैं इसका पेपर निकाल लेता हूं। ठीक है, प्रोटेक्शन पेपर हमने डाल दिया। यहाँ पे कुछ वायर बाहर है, इसको हम चॉपर की मदद से डाल देंगे। ये है चॉपर। ठीक है दोस्तों, पूरे वायर जा चुके हैं, इसको रिमूव करता हूँ मैं और ये पेपर डाल देता हूँ।
ठीक है दोस्तों। अब इसमें मैं लकड़ी डाल देता हूँ। तो दोस्तों हमने इस ग्रुप का पहला छोटा वाला कॉइल डाल दिया जिसका पीस था 1 से 14, आप गिन के देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये इसको मैं पेपर को डाल देता हूँ ताकि हमारे कॉइल शॉर्ट ना हो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस कॉइल का ये हो गया स्टार्ट स्टार्ट तार है और ये है एंड तार। अब ये एंड तार यहाँ से यहाँ पर जाएगी। अब हम 21 वाला के अंदर पेपर डालेंगे ठीक है इसके ऊपर। तो इस ग्रुप की हमारे सेकंड कॉइल है। ठीक है, तो ये छोटी कॉइल अब हम इसके अंदर डालेंगे। अब दोस्तों इतनी तार बची हुई है तो मैं कोशिश करूंगा ये तार यहां से यहां पर जाएगी। ये इस कॉइल की एंड तार है, वो अगले कॉइल में यहां पे चली जाएगी। ठीक है, ऐसा करना है, इसको को अच्छे से पीस लेना है और ढकेल देना है। फिर से एक बार कंफर्म कीजिए कि ये तार यहां से यहां पर गई है या नहीं। अगर दोस्तों आप ये जो राइट हैंड तरफ तार रखेंगे ना तो ऑटोमेटिक वहां पे चली ही जाएगी। तो दोस्तों यहाँ की पूरी तार हमारी जा चुकी है स्लॉट के अंदर, तो निकलता हूँ। तो ऊपर की भी तार दोस्तों सब चली चली जा चुकी है फ्लैट के अंदर। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा कंप्लीट हो गया सेकंड कॉइल का भी जाना स्लॉट के अंदर। इसको लॉक कर देंगे। ठीक है, अब इसको सेव दे देते हैं। तो आपको यहां दिखेगा दोस्तों, ये अभी हमने डाली हुई एक कॉइल है जो 31 वाला की है। अब दोस्तों एक ही स्लॉट बचा हुआ है इसके अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, जो कि वो ये 14 की हो गई, 16 की हो गई और इसके ऊपर आने वाली 18 की कॉइल हो गई हमारी, 1 से 18। आप अगर यहाँ से काउंट करके देखोगे तो 1 से 18 का आ जाएगा। तो हम पीछे से इसकी पेपर डाल देते हैं। तो दोस्तों ये इस ग्रुप की लास्ट कॉइल है तो हमारी मोटर पूरी कंप्लीट हो जाती है। बहुत ईजी थी मोटर रिवाइंड करने के लिए। तो लास्ट कॉइल इसको मैं यहाँ पे चिकटक लगा देता हूँ ऊपर की तरफ।
ये हो गया, और इस तार को मैं उंगली के अंदर सेप दे देता हूँ। तो ठीक है, तो दोस्तों फिर से और एक बार बता रहा हूँ, तो आपको कोशिश करनी कि ये जो वायर यहाँ से यहाँ पर चली जाए, तो ऑटोमेटिक ये जो है इधर एंड मतलब हमारे लेफ्ट हैंड तरफ आ जाएगा। इस तार को यहाँ से आए हुए तो ऐसे ही लेना, ऐसे लेना और यहाँ से ऐसे ढकेल देना। तो फिर से एक बार कंफर्म कर लीजिए कि ये वायर यहाँ से यहाँ पर चली गई हुई या नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, तो इसका ऑटोमेटिक ये जो चिकट टेप के लेफ्ट हैंड तरफ है, तो ऑटोमेटिक ये एंड पॉइंट आ गया, एंड तार हो गया, ये स्टार्ट था और ये एंड। यहाँ पे सारी तार जा चुकी है, इसको रिमूव करता हूँ, इस पेपर को डाल देता हूँ। ठीक है, ये भी तार पूरी तरह जा चुके हैं, फिर मैं रिमूव करता हूँ, इसके अंदर ये पेपर में डाल देता हूँ। ओके दोस्तों, तो सब जा चुका है, अब मैं इसको लॉक कर देता हूँ। और इसको भी लॉक कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारे सब ग्रुप्स, सब जो ग्रुप हैं, ये छठा ग्रुप था हमारा लास्ट, जो हमने पूरी तरह इसको इंस्टॉल कर दिया है। अब दोस्तों इसी तरह मैं बांध देता हूँ और फिर देखेंगे कनेक्शन के बारे में। तो दोस्तों अभी करते हैं बात कनेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हमें तो टोटल यहाँ पे 12 तार निकल आए हैं, तो देखते हैं गिनती करके इससे स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, तो टोटल दोस्तों यहाँ पे 12 तार निकल आए। तो मैं यहाँ पे आपको कनेक्शन लाइव नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, हमने एक ग्रुप हो गया हमारा तीन कॉलों का, एक ग्रुप हो गया तीन कॉलों का, एक ग्रुप हो गया तीन कॉलों का, ए ए ए। तो दोस्तों टोटल 6 ग्रुप हैं यहाँ पे। तो मान लेते हैं जो हमारा एक 14 का पीस था, तो उसका ये स्टार्ट है और सबसे बड़ी वाली कॉइल का, तो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो ये जो है छोटे कॉइल को जुड़ा हुआ है, जो हम इसको स्टार्ट कहेंगे और इसको एंड कहेंगे,
यहाँ पे दो ही नाम है, तो हम दो नाम इसको रखेंगे, इसको स्टार्ट रखेंगे जो छोटे कॉइल को जुड़ा हुआ है, और इसको एंड कहेंगे जो हमारे बड़े कॉइल को यानी कि एक टी आर के कॉइल को जुड़ा हुआ है। तो अब हम कनेक्शन कैसे देखेंगे, तो दोस्तों जितने भी यहाँ पे आपको स्टार छोटे वाले छोटे जो कॉइल के हैं तो उसको आपको ऐसे बाहर निकल देना है, इसको यहीं पे रहने दो। अब छोटे कॉइल का इसका कौन सा है, तो इसको बाहर निकाल दो ऐसा, इसका ये छोटे कॉइल का है तो इसको ऐसे कर दो। तो ये छोटे कॉइल का था, ये बड़ा बड़े कॉइल का है, तो इसमें से अब ये बड़े कॉइल का है और ये छोटे कॉइल का है, इसको मैं बाहर निकल देता हूँ। ये बड़े कॉइल का है एक 18 का, और ये दोस्तों ये बड़े कॉइल का है और ये छोटे कॉइल का है, छोटे कॉइल को बाहर निकल देते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ पे ये छोटे कॉइल का है, इसको बाहर निकाल देते हैं, ये बड़े कॉइल का यहीं पे रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया स्टार्ट, ये हो गया स्टार्ट, ये स्टार्ट, ये स्टार्ट, ये स्टार्ट और ये स्टार्ट, तो ये जो हमने बाहर निकाले ये सभी स्टार्ट हो गए, और यहाँ पे जो रखे हुए हैं तो ये एंड हो गए, ये 6 पॉइंट एंड है और ये 6 स्टार्ट है। बहुत ही आसान है कनेक्शन, इसमें कुछ मतलब समझने वाली ऐसी कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। तो देखिए दोस्तों, इसको तो आप बाहर रहने दो, तो ओके इसको बाहर रहने दो। अब आपको क्या करना है, तो पहले इन 6 एंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो आप करना क्या है, ये उठाना है और ये उठाना है, इसको कनेक्शन मार देना है जो आमने सामने का है। अगर आपको आमने सामने समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ चिकट्टे दिख रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके मार दो। ये भी देखेंगे, अब यहाँ पे लिया मैंने तो इसके सामने का देखेंगे हम कौन सा आता है, 1 2 3 4 इसका आता है, इसको कनेक्शन मार दो ऐसा, ज्वाइंट लगा दो। और इसकी बात करेंगे, अब ये रह गया तो इसको 1 2 और 3 और 4, तो इसका एंड एंड तो एक कर देना है आपको, ऐसे आमने सामने एंड एंड का ज्वाइंट लगा देना है। तो ये बात हो गई इन सब की, तो इन सब की बात हो गई दोस्तों, तो समझ में आया आपको, एंड एंड आमने सामने आप सबको जोड़ देना है, यानी कि 18 18 कॉइल की जितने भी आपके आमने सामने जो है वो जोड़ देना है। तो इन बात इनकी तो पूरा खत्म हो गया। तो दोस्तों रह गए आप टोटल 6 6 स्टार्ट पॉइंट। तो आपको करना क्या है दोस्तों, पहले केबल की नीली यहाँ पे जोड़ देना है, तो दूसरे केबल की नीली यहाँ पे जोड़ देना है, तो बाद में पहले केबल की येलो यहाँ पे जोड़ देना है, तो दूसरी केबल की येलो यहाँ पे जोड़ देना है, और पहले केबल की रेड यहाँ पे जोड़ देना है और दूसरे केबल की रेड यहाँ जोड़ देना है, तो ऐसे कनेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों एक कंपनी का कनेक्शन था, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल कनेक्शन बताने वाला हूँ मेरे तरीके का, तो आपको उसकी लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल कनेक्शन भी बताऊंगा और उसका जो टाटर में कैसे जोड़ते हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। अगर सर के ऊपर से गया हो तो घबराए मत, इस कनेक्शन का टोटल लाइव वीडियो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 36 वाट टेक्सो मोटर का कनेक्शन, तो इस पर क्लिक कीजिए तो आपको टोटल लाइव वीडियो आपको मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूँ इसके अंदर, और मैं कंपनी का कनेक्शन नहीं तो अपना कनेक्शन बता रहा हूँ, ताकि ये सिंपल है समझने अगर में। दोस्तों आपको हमारे ऐसे मोटर वाइंडिंग के वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं, अगर आपको किसी दोस्तों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।